क्या आप भी जानना चाहते हैं कि घर पे पान कैसे लगा सकते हैं? तो आज मैं आपको लेके चलूंगी पान की दुकान पे। वहाँ हम सीखेंगे पान कैसे लगाना है, उनसे कुछ सामान लेंगे और फिर घर के उगे पान से हम पान लगाएंगे। ये हमारा मघई पान का पत्ता। तो मैं बहुत छोटा सा पेड़ लेकर आई थी, इतना सा, और अब देखें कितना बड़ा हो गया। और मुझे और अमित को पान खाने का बहुत शौक है, तो हम इसमें से कुछ पान के पत्ते तोड़ लेंगे और मैं आपको लेकर चलूँगी पान की दुकान पे। पहले हम उनसे सीखेंगे कि पान कैसे लगाते हैं, फिर हम घर पे लगाएंगे। तो चलिए अमित, आज हम आए हृदय राज सिंह जी की दुकान पर, तो सीखते हैं इनसे कि हम पान कैसे बनाएंगे। तो ये देखिए, इन्होंने थोड़े से सामान मेरे लिए बॉटल्स में भर दिए। तो भैया, एक पान भी आप लगा के दिखाइए हमें। आज मैं यहाँ पे भैया से एक सादा पान और एक मीठा पान दोनों बनाना सीख रही हूँ। पान जो है वो अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीकों से बनाया जाता है और ये बिल्कुल बेसिक तरीका है पान बनाने का। तो अभी मैं आपको ये वीडियो फास्ट फॉरवर्ड में दिखा रही हूँ, पर घर जाकर हम प्रॉपर तरीके से घर के पान के पत्तों से पान बनाएंगे। तब मैं आपको पूरा प्रोसेस दिखाऊंगी और आपको बता भी दूंगी कि कौन सा मसाला किस समय पर डालना है। आपका पान रेडी हो गया, तो उसका फोल्ड करने का तरीका भी सीखना पड़ेगा हमें। हाँ, घर पे करना है तो फर्स्ट ये पकड़ना है। हाँ, पहले ये फोल्ड करना है। हाँ, फिर ये बढ़िया ये नीचा, तो ये मेरे लिए है। और ये ले लेता हूँ मैं। हाँ, कि हमने सारा सामान जो है पैक करा लिया है और अब घर चल के बनाते हैं पान। पान को मैंने पानी में डाल दिया था, अच्छे से वॉश हो गए। तो आज हम दो तरह के पान लगाएंगे, एक सादा और एक मीठा। तो ये है मेरे पास चूना, थोड़ा सा लगाना है एकदम, और यहाँ पे मेरे पास है कत्था। अब इन दोनों चीज़ों को हम थोड़ा सा स्प्रेड कर देंगे। इसके ऊपर डालेंगे पाउडर, जिसको पान के मेन फ्लेवर के लिए डालते हैं। और यहाँ पर मेरे पास है केसरी चटनी, इसे भी थोड़ा सा लगाएंगे। और अब सारी चीज़ों को मिलाकर हम पान के पत्ते पे इस तरह से स्प्रेड कर देंगे। और अब हम इसमें डालेंगे सुपारी। तो ये सुपारी को मैंने पानी में थोड़ी देर डाल दिया था, इससे सॉफ्ट हो जाती है। तो कई लोग सूखी सुपारी डालते हैं और कई लोग गीली। अब हम इसमें डालेंगे केसरी, यह भी एक तरह की मीठी सी सुपारी होती है। और ये है खजूर, ये भी हम दोनों पान के पत्तों में डाल देंगे। और अब हम बनाएंगे सादा पान, तो इसमें मैं डाल रही हूँ सौंफ, और साथ ही में इसमें डालेंगे थोड़ी सी मुलैठी की पत्तियाँ। मुलाठी एक्चुअली गले के लिए बहुत अच्छी होती है, तो अगर आप चाहें तो दोनों पानों में भी डाल सकते हैं। ये देखिए, हमारा जो सादा पान है वो तैयार है। और आइए अब हम मीठा पान बनाएंगे। तो इसके लिए मैं इसमें डाल दूंगी थोड़ा सा ये नारियल का बुरादा, तो ये फ्लेवर्ड नारियल होता है बस। और यहाँ मेरे पास है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ गुलकंद, इसे भी हम थोड़ा सा डाल देंगे। और ये है टूटी फ्रूटी, तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है इसलिए मैं थोड़ी सी ही डालूंगी। तो ये देखिए, हमारे दोनों पान अब बिल्कुल तैयार हैं। ये सादा वाला पान मैं अमित को दे देती हूँ। अब देखते हैं शिल्पी का टेस्ट है कि फोल्ड कर पाएगी कि नहीं। हाँ, ये छोटा भी है ना, पर आई थिंक फोल्ड हो जाएगा। हाँ, ये देखो, ऑसम। खा के बताओ अमित, घर का पान। और ये मेरा, ऑसम है। तो इसको भी फोल्ड करते हैं। तो भाई, अब तो हम घर के ही पान खाएंगे अमित, है ना? बिल्कुल, बड़ा होना पड़ेगा पहले। सच बात है, हम पहले खा जाएंगे सारे पान, छोटे छोटे। Now you can see she is struggling. और रोज बनाएंगे ना अपन, तो आ जाएगा मुझे भी, पर ठीक है ना, मैं खा लेती हूँ इसको भी। बड़ी ऑसम है। तो उसके लिए हमें थोड़ा सा सामान चाहिए होता है, तो ये सारा सामान हमें भैया ने सिर्फ 100 रुपए में दे दिया था। तो आप इकट्ठा कर लिए थोड़ा सामान, और घर का पान सच में मानिए इतना सॉफ्ट है, जूसी है, और बहुत ही इंटेंस फ्लेवर्स है इसमें, बहुत बहुत टेस्टी। तो आप भी बना के देखिएगा, और अगर आप पान के शौकीन हैं तो बस घर पे पान बनाइए और खाइए मेरी तरह। तो अगली बार आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।